नमस्कार, मैं हूं रुपावना शर्मा और आप देख रहे हैं इंदौरिया टाइम्स। मैं आपसे ये भी चाहता हूँ कि दोबारा कांग्रेस की सरकार बने
आप इनकी 2000 की बजाय 1000 की बजाय 2000 रुपया जो गरीब हमारे बुजुर्ग हैं उनकी पेंशन 2000 रुपये चाहिए। बिजली आपने बहुत अच्छा किया कि 100 यूनिट का माफ किया, उसके ऊपर 100 यूनिट का खर्चा माफ कर दिया। वो जो पिछली गवर्नमेंट है, जो बीजेपी की गवर्नमेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, आपके जहाँ के जनशक्ति मंत्री हैं, उनसे मैं पूछना चाहता हूँ कि चिट्ठी को लिख रहे हो कि अगर बिजली में आप सब्सिडी दोगे, आपके जो दूसरे हैं बिजली का जो ग्रिड है नेशनल ग्रिड, उसमें से आपको फायदा नहीं दिया जाएगा। ये उनका एक भाइयों में बात सुन लो, मेरी बहनें भी बैठी हैं, अगर बीजेपी आई तो आपका 100 यूनिट भी खा जाएगी, तो आपका 2000 यूनिट भी खा जाएगी। इन भेड़ियों को सिर्फ बच के लड़ा, देश के लिए काम नहीं करते। कि राजस्थान में जो सरकार आप सबके आशीर्वाद से बनी है, एक से बढ़कर के एक अच्छे काम कर रही है, गुड गवर्नेंस है, अच्छी फ्लेक्सिबल योजनाएं हैं, शानदार बजट है, किसान का कर्जा माफ 14,000 करोड़ हुआ, और आपने देखा होगा कि किस प्रकार से किसानों के लिए अलग बजट पढ़ा गया राजस्थान के मुख्यमंत्री जी के द्वारा, और अलग बजट ही नहीं पढ़ा गया बल्कि बजट को दुगुना कर करके किसान को एक बहुत बड़ा तोहफा दिया गया हमारी सरकार के द्वारा। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। एक बात और आपको बताना चाहता हूँ कि राजस्थान में जो 19 जिले बने हैं, ये 19 जिले इसलिए बने हैं कि राजेंद्र जी यादव आपके मंत्री विधायक लोकप्रिय नेता मेरे मित्र, इनकी जिद और जुनून थी कि कोटपुतली जिला बनना ही चाहिए। और मुख्यमंत्री जी ने मेरे सामने कहा था कि यादव साहब एक जिला कैसे बने, मैं पूरे प्रदेश की आपको जिम्मेदारी देता हूं कि आप देखिए कैसे कितने जिले बन सकते हैं। प्रशासनिक कमेटी राम गोपाया जी के अध्यक्षता में बनाई होगी, लेकिन इन 19 जिलों को बनाने में राजेंद्र जी यादव का बहुत बड़ा योगदान है। ये मैं और आपको तो पता है कि मुख्यमंत्री जी गृह मंत्री और राजेंद्र जी यादव जी गृह राज्य मंत्री, तो आप समझ सकते हैं कि पूरी सरकार मुख्यमंत्री जी और राजेंद्र जी यादव साहब के उसके ऊपर है। तो आप समझिए कि आपको कितना बड़ा तोहफा मिला है, और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आपको कि आपका जोश और जो जुनून है, जो आपका उत्साह है, ये वास्तव में मैं क्या शब्दों में बयान नहीं कर सकता। ये बताने लायक है कि जो सरकार हमारे लिए काम करती है उसके लिए हम हर समय तैयार रहते हैं, चाहे आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, लेकिन कोटपुतली की ये ऐतिहासिक सभा ये हमेशा हमेशा याद रखेगी कि जिले के ऐलान के बाद में आंधी तूफानों के बीच में राजेंद्र जी यादव ने एक ऐसी सभा कराई थी जिसमें हजारों की संख्या में माताएं बहने और आए थे। मैं तो आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं कि अच्छा हमने काम किया है। मोदी जी ने आपने देखा होगा आपके बॉर्डर के ऊपर 15 महीने तक किसान खून के आंसू रोते रहे, 15 महीने तक यहाँ टेंटों में बैठे रहे, लेकिन 15 महीने बाद में उनको सुध आई और वो 3 काले कानून वापस लेने पड़े। आज एक से बढ़कर के एक गारंटी दी जा रही है, 10-10 गारंटियां दी जा रही है। एक तरफ ये सरकार और एक तरफ मोदी जी की सरकार, कभी 500 का नोट बंद करती है, कभी 1000 का बंद करती है, कभी 2000 का चलाती है, कभी 2000 का बंद करती है, कभी किसानों को आपने देखा होगा कि यहाँ सड़कों पे सोने को मजबूत करती है, किस तरीके से शासन चला रहे। एक से जितने भी संवैधानिक संस्थाएं हैं उनका ये लोग ना दुरुपयोग कर रहे हैं। इसलिए मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, अंदर चल रहा है कि सबको संभल करके रहना है, और आने वाले 2023 में राजस्थान में पूरे कांग्रेस की सरकार बने, ये तय कर दिया है। 2024 का जंगी जीतेंगे। राहुल गांधी जी ने तो यात्रा 4,000 किलोमीटर की है, जिन उद्देश्य को लेकर के की है वो उद्देश्य तभी सफल हम उस उद्देश्य में होंगे जब 2023 में राजस्थान में पुनः कांग्रेस की सरकार बने और 2024 में यूपीए की सरकार बने। आपने बुलाया, सम्मान दिया,
बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सबसे पहले आपको बधाई देना चाहती हूँ कि कोट कुंडली अब जिला बन गया है, अब आपका अधिकार आपके हाथ में आ गया है। ये बहुत बड़ी बात है, सरकार ने किए है, चाहे पेंशन देने की बात हो बहनों को, चाहे चिरंजीवी बीमा देने की बात हो, चाहे रोजगार गारंटी में 25 दिन बढ़ाने की बात हो, चाहे सिलेंडर मात्र 500 रुपए तेल देने की बात हो। अभी दिल्ली वाले भी 1200 रुपए का सिलेंडर दे रहे हैं, लेकिन राजस्थान के लोग मात्र 500 रुपए का सिलेंडर दे रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है और एक मील के पत्थर की तरह साबित होगा। मैं हमेशा एक बात करती हूँ कि ये बहुत जरूरी है कि हम जब काम करते हैं, जब हमारे नेता काम करते हैं, जब एक मुखिया की तरह सोचते हैं, तो अब आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि मुखिया की पीठ थपथपाकर मुखिया को वापस लाना है, सरकार को वापस लाने का काम करना है। ये बहुत जरूरी है क्योंकि लोग इस बात से भी डरते हैं, भाजपा की जो नकारात्मक राजनीति है, लोग जानते हैं कि भाजपा ने हमेशा जनहित के कार्यों के बीच में रोड़ा डाला है, हमेशा योजनाओं को बंद किया है। तो अगर हम चाहते हैं कि ये योजनाएं लगातार चलती रहे, तो कांग्रेस पार्टी का वापस आना उतना ही जरूरी है जितना इस देश के लिए कांग्रेस पार्टी का आना जरूरी है। देश के अंदर अलग अलग लोग राजस्थान की राजनीति को देख रहे हैं, और जब राजस्थान की राजनीति को देखते हैं तो इस बात के लिए आश्वस्त होते हैं, क्योंकि ऐसा काम हमने किसी और सरकार ने नहीं किया जो योजनाबद्ध तरीके से कांग्रेस पार्टी ने किया। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी, लेकिन पुनः आपके पास वापिस आऊंगी। कोटपुतली का मैं सह प्रभारी बनकर आई हूँ, तो निश्चित रूप से आपसे बार बार मुलाकात होनी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। जिला मुख्यालय बन जाता है
ट्रांसपोर्ट सेक्टर के आगे निकाले काम को छोटे होने लग जाते हैं। जिला मुख्यालय अब कलेक्टर भी एस पी भी QFPO जो है वो और अधिकारी हो, ADM हो, सिटी मजिस्ट्रेट हो, LGO, तहसीलदार, उप तहसील, ये काम छोटे ही जिले की आबादी के हिसाब से पूरे जिले का पुनर्गठन शुरू हो जाता है। ये तो एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया है, नया जिला बन गया। अब आप देखेंगे आने वाले वर्ष के अंदर जिले का चौमुखी विकास हो, जिले की प्लानिंग बनेगी, जिला प्रशासनिक प्लानिंग बनाएगा, मास्टर प्लान बनाएगा जिले का, कुछ रूप में आने वाले वर्ष में ये जिला दिल्ली के पास में भी है और जयपुर दिल्ली के बीच में लगभग, मैं समझता हूँ कि आज ऐसा होगा। अब दर्शन करेंगे जिला बनने के बाद में एक तरह की सुविधा आपको सत्य में लग गई है। बाकी आप निश्चित रहो, कोई कमी रखी नहीं अपने पाँच साल में जो आपका आशीर्वाद मुझे आपने मुख्यमंत्री बनाया और मैंने प्रयास किया जनभावना क्या प्रदेश के अंदर प्रदेशवासी क्या चाहते हैं, उस ढंग से हमने तमाम फैसले किए। पाँचों बजट के अंदर मैंने कोई टैक्स नहीं लगाया आज तक, बिना टैक्स के बजट मैंने पेश किए, शानदार रीति प्रबंधन किया, रेवेन्यू जनरेट करी, हर विभाग के अंदर रेवेन्यू बढ़ोतरी करी। इस प्रकार से आज राजस्थान देश के अंदर आर्थिक विकास दर के अंदर नंबर दो पर है, नंबर एक आंध्र प्रदेश है 11.4% और नंबर दो राजस्थान है 11.04%। आप पूछ सकते हैं अब किसी दृष्टिकोण में कमजोर नहीं है, चाहे वो पानी की योजना हो, चाहे नल पहुँचाने की बात हो, जल एडमिशन की मैंने फैसला कर लिया, 10% गाँव उन्होंने इकट्ठा करने की बात कही गई थी केंद्र से। अब 45% तो है केंद्र का और 10% गाँव को देने की बजाय मैंने कहा महंगाई का जमाना है, हम गाँव वालों से इतनी बड़ी बड़ी योजनाएं हैं उसमें उनसे इकट्ठा पैदा करना उचित नहीं है। राजस्थान सरकार ने फैसला किया है 10% हिस्सा जो पब्लिक का था, गाँव वालों का था, उसको सरकार बैन करेगी। 55% हो गया राजस्थान सरकार का, 47% हो गया केंद्र सरकार का और जल जीवन मिशन जो है उसका काम तेज गति से आगे बढ़ाया जाएगा। ये मैं आपको निर्णय करूँगा, जल पहुँचेगा पानी और बाकी जो है बिजली का उत्पादन हो रहा है राजस्थान के अंदर, सोलर बेस हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं, थोड़ी कोयले की कमी आती है अभी छत्तीसगढ़ से, उस कारण कई बार कट लग जाता है। प्रयास ये कि आप जिनको बिजली मिले किसानों को मिले, जिनको बिजली मिले रात को उनको झगड़ा नहीं पड़े, रात को पीवाई करने में तकलीफ आती है, इस बात का आश्वासन मुझे है। अधिकांश जगह में तीन को बिजली बिजली लग गई है, बाकी जिले में होता कनेक्शन ले रहे हम लोग, बाकी बच गए हैं तमाम उन किसानों को कनेक्शन दे रहे हैं, कुओं के ऊपर उपभोक्ताओं दे रहे हैं, बिजली की दरें आज मेरे 100 यूनिट हमने फ्री कर दी है, 200 यूनिट तक फिक्स चार्ज लगेगा नहीं, 1 करोड़ से अधिक लोगों का बिल अब जो है बिजली का बिल 0 आएगा, रुपया नहीं भरना पड़ेगा बिजली का। किसानों को 2000 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी, पहले 1000 रुपये देते थे हम लोग प्रति माह, अब 2000 के मतलब 1800 रुपये, क्योंकि 90% रखे हमने कीमत बढ़ाई नहीं है, ये लगभग 2000 रुपये फायदा मिलेगा उनको भी। 25 लाख का बीमा कर दिया, 1000 का हिंदुस्तान का कहीं नहीं है, 25 लाख का बीमा होना अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम है। कितने लोग मिलते मुझे कोई 2 लाख 5 लाख 8 लाख की बात करता, मेरा इलाज हुआ 1 रुपया मेरे को नहीं लगा, एक व्यक्ति मेरा कैंसर का इलाज हुआ 17 लाख खर्च हो गया उससे 1 रुपया तो नहीं देना पड़ा। ये जो हमने 25 लाख का बीमा किया आपका, इससे दर्द हो गया है क्योंकि हमने इसके साथ में कानून पास किया है असेंबली के अंदर,
राइट टू हेल्थ, मतलब आपको स्वास्थ्य का अधिकार ये डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने सोनिया गांधी दिए था, यूपीए गवर्नमेंट वक्त में कानून बना के चार अधिकार दिए थे, शिक्षा का अधिकार, महात्मा गांधी के नाम नरेगा का अधिकार, 14 दिन का रोजगार, जिसको मैंने 25 दिन बढ़ा दिया आपके लिए राजस्थान में, 25 दिन का पैसा स्टेट गवर्नमेंट देती है रोजगार देने के लिए, शहरी रोजगार अलग योजना शुरू कर दी हम लोगों ने, तो नगर पालिका है वहाँ भी रोजगार मिलेगा, ये हमने कर दिया। इस प्रकार से जो भारत सरकार ने किया, खादी सामान का अधिकार 2 रुपये किलो गेहूँ, 3 रुपये किलो चावल, पूरे देश के अंदर ये भाव रहेगा, तो मार्केट में 25 हो 30 रुपये 32 रुपये हो 25 किलो गेहूँ, तब भी आपका भारत सरकार ने कानून पास किया, मनमोहन सिंह जी ने सोनिया गांधी जी ने, उसके भाव में 2 रुपये किलो गेहूँ, 3 रुपये किलो चावल, ये पार्लियामेंट का कानून बन गया है। अभी मनमोहन जी को कहा है राजस्थान गवर्नमेंट 1 करोड़ लोगों को जो पूरे औरतें हैं आदमी हैं उनको पेंशन दे रहे हैं, उम्र देगा 1500 रुपये पेंशन की प्रतिमा है, 1000 भी है विधवाओं की और कम उम्र वालों की पेंशन 5 प्रति 7.5 रुपये। अभी मैंने घोषणा कर दी है राजस्थान में सबको कम से कम 1000 रुपये पेंशन मिलेगी, आगे थे ये मैंने घोषणा कर मेहनत लग गया। और मैं कहा प्रधानमंत्री जी को आप कानून लो पांचवा जो चार बनाए यूपीए ने आप बनाइए राइट टू सोशल सिक्योरिटी, पूरे देश के अंदर गरीबों को मिडिल क्लास को, राहुल गांधी कांग्रेस के मैनिफेस्टो में लेके आए थे न्याय योजना, न्याय योजना 6000 रुपये प्रति माह मिले गरीबों को, जो हल्के कर्ज है उनसे मजदूर है या ठेले वाला है बुढ़ा भी वो क्या करेगा, उनकी सिक्योरिटी होनी चाहिए जिंदा जिंदा रहने की। तो राहुल ने ये कहा कि न्याय योजना, हमने प्रधानमंत्री को कहा है न्याय योजना के लिए आप कानून पास कीजिए पूरे देश के अंदर, इस प्रकार की सोच के साथ में हमारी सरकार काम करें, जन कल्याण के काम, जो मैंने कहा शिक्षा कहते हैं वो शिक्षा मंत्री आपके यादव साहब जी है, पिछले 2 साल में खोले खोली 250, हमने 5 साल में खोले खोली 300, 5 साल में 300 वाले खोल रही है, जैसे विद्यालय जिले में 2 के 3 के चार्टर बन गए कॉलेज बने, तो शिक्षा में हम जोर दे रहे हैं राजस्थान पूरा शिक्षित बने, लड़कियों के 36 कॉलेज खुल गई है और जहाँ लड़के 500 मिलेंगे हमें तो स्कूल को कॉलेज बना दिया जाएगा, ये मेरी घोषणा है। हो सकता है जितनी घोषणाएं हो रही है राजस्थान के अंदर विश्वविद्यालय खुले हैं, कभी फौज के आसपास खुलने लगे हैं, पर अच्छे थे पहली बार में मुख्यमंत्री था 98 के अंदर सिर्फ 6 विश्वविद्यालय थे, आज 90-95 विश्वविद्यालय राजस्थान बन चुके हैं, मेडिकल कॉलेज बन चुकी है, प्राइवेट सेक्टर ने अलाउ किया तो चाहे मेडिकल इंजीनियरिंग नर्सिंग कृषि कॉलेज हो कोई कॉलेज हो प्राइवेट सेक्टर माने लग गए तो काफ़ी आगे बढ़ चुके शिक्षा के अंदर, IIT आ गई हमारे राजस्थान में, IIM त्रिपुर IIT एम जोधपुर में आ गया, आयुर्वेद विश्वविद्यालय बन गया, नौ यूनिवर्सिटी बन गई, कोई कमी रही नहीं रही एजुकेशन में, पहले बच्चे जाते थे महाराष्ट्र में पुणे में तमिलनाडु में कर्नाटक में, अब जाने लगता शिक्षा में आगे बढ़ रहे हैं, जैसे मैंने कहा हेल्थ केयर ने कानून पास कर दिया, आज राजस्थान देश के अंदर चिरमोर है स्वास्थ्य सेवाओं के अंदर, क्योंकि हमने गारंटी दे दी आप सबको आपके इलाज की गारंटी सरकार ले ली है कानून पास करके, मैं कहना ही चाहता हूँ बात समझ आ सकता है लाइफ टू है कानून बन गया है। इसे मैंने कहा ये जो दफ्तरी करते हैं लोग बीजेपी वाले गुमराह करते पब्लिक को, वादे जैसे मोदी जी 14 कहते हैं वो तो वादे बोल रहे अब उनकी खुद की जवाब भी नहीं आते हैं, चाहे वो 1000 रुपये दुगनी इनकम करते हो चाहे 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे प्रतिवर्ष दे रहे हैं क्या,
हमारी सरकार ने 3 लाख लोगों को रोजगार, 1.5 लाख लड़कों को नौकरी दे दी है, 1.5 लाख का कॉलेज चल रहा है, इंटरव्यू हो रहे हैं, एग्जाम हो रहे हैं, 1 लाख मैंने घोषणा करी। तो हम इससे आगे बढ़ गए हैं हर क्षेत्र में। वादे जो किए केंद्र सरकार ने वो निभा नहीं रही है। उन्होंने 5 ज्यादा काम सुशासन दिया और महिलाओं को भी यहाँ जो मोबाइल फोन कई तरह आते हैं। हम भी चाहते हैं कि सब लोग कहे महिला जो है केंद्रीय योजना की मुख्य महिला है घर के अंदर। हमने सबको कहा है एक स्मार्टफोन 3 साल की इंटरनेट जो है फ्री के हिसाब में मिलेगा तमाम महिला को राजस्थान के अंदर। तो हो सकता है बातचीत करें सरकार के अंदर अगर सप्लाई नहीं हुई एक कंपनी की तो हम लोग हो सकता है कि अमाउंट जो है आपके लिए जो टेलीफोन खरीदेगा जिस जगह मैंने एलपीजी में दिया अभी जल क्षेत्र में 14 लाख महिलाओं को मैंने 4-5 दिन पहले 1000 बटन दबाया सबके खाते में जो 1140 रुपये देखिए गैस सिलेंडर लिया था 5 रुपये में से गैस सिलेंडर मैंने वादा किया देंगे हम आपको बाकी पहले 640 रुपये होते हैं प्रत्येक महिला के खाते में 640 रुपये जा चुके एक बटन दबाने के लिए जिसको डिबिट कहते हैं। इस प्रकार लंबी रोटी कायम रख गई है। जल्दी हम 16 तारीख में डिबिट करेंगे। एक एक पशुपालक के यहाँ एक गाय मरी है 40,000 में मिलेंगे उसको डिबिट में देंगे उसके खाते पहुँचने के पड़े। इस प्रकार आगे गाँव के लिए बीमा कर दिया है दो गाँव के लिए गैस के लिए 30,000 प्रीमियम सरकार के लिए गया। इस प्रकार टेलीफोन के जाएंगे अगर ये अलग अलग कंपनियों में टेलीफोन देने के भेजा है हो सकता है हम डिबिट करते हैं उनको जिससे कि वो अपने पसंद का जो है टेलीफोन खरीदे और फिक्स अमाउंट सरकार देगी उसको उसके ऊपर वो फिक्स बना के टेलीफोन खरीदे। ये बात शिकायत नहीं कर पाएंगे कि हर परिवार में अलग अलग तरह टेलीफोन मिले मुझे नोके मिलना था या सैमसंग मिलना था ओपेक मिलना था या जियो मिलना था। ये भी हमारे विचार करना चाह रहा है। हम कहेंगे जल्दी से जल्दी महिलाओं को टेलीफोन का वादा हमारा है वो पूरा हो ये मैं निवेदन करना चाहता हूँ। इस प्रकार से खाद्य सामग्री में देख रहे हैं अगर ढंग से कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाया हम चाहेंगे डीबीटी करते हैं सब महिलाओं के लिए वो आराम से दालें हैं चीनी है तेल है मसाले खरीद सकते। सरकार ने जो वादे किए हैं वादे निभाएंगे हम लोग लगे हुए हैं। ये आप कैंप लगे महंगे रात के कैंप इसमें 1.5 करोड़ परिवार जुड़ चुके हैं अभी तक और साथ में 6.5 करोड़ मुख्यमंत्री के साइन के साथ में हस्ताक्षर मेरे उसके अंदर उसमें जो है आपको गारंटी दी जा रही है 10 तरह की स्कीमों की। ये गाड़ी चुनाव तक नहीं है चुनाव के बाद नहीं ये स्कीम लागू रखेंगे हम लोग बल्कि मैं अगर सरकार हमारी बन गई अगर आपके आशीर्वाद से सरकार बनाने का काम माई बाप आप छोटी होती है उसके ऊपर सरकार हमारी बनेगी मैं वादा करता हूँ इन स्कीमों को और मजबूत करेंगे ये मैं वादा करना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी लोग जो है गुमराह करते लोगों को रेवड़ी बढ़ रही है। जो पूछो जब तुम लोग बांटते हो यूपी के अंदर खाद्य सामग्री फिर बांटते हो वो रेवड़ी नहीं है हम बांटते तो वो रेवड़ी है। मध्य प्रदेश में परसों फैसला किया मुख्यमंत्री ने साड़ी देने का किया बर्तन देने का किया पता नहीं क्या क्या देंगे वो रेवड़ी नहीं है। और मैं आपको कहना चाहूँगा क्योंकि मैंने आर्टिकल पढ़ा अभी इंडियन एक्सप्रेस के अंदर
ठीक जगह पिछले मेहता ने वन प्रधान मेहता था कोई जोधपुर के हैं मुझे बहुत बड़े वो राइटर है लिखा राजस्थान गवर्नमेंट बंगाल गवर्नमेंट बंगाल उड़ीसा गवर्नमेंट तीन गवर्नमेंट इसकी में जो है वो कंसिस्टेंट नहीं के आगे इस प्रकार की योजना बनाई गई इससे ये कहना गलत है ये सोशल सिक्योरिटी है अगर महंगाई समाप्त हो जाएगी आप खुद ही नहीं मांगोगे हमें आप कोई तेल मसाले दो तो महंगाई इतनी बड़ी मार है राहुल गांधी की यात्रा का चार मत थे महंगाई बेरोजगारी आप अपने सब जाति सब धर्म के लोग भाई भाई कर रहे प्यार से मोहब्बत से रहे स्नेह से रहे वाणी की नहीं हो हिंसा नहीं है और छोटा सा गरीब अमीर में खाई नहीं बढ़ने चले आप अमीर अमीर बन बन रहे आ रहा है गरीब गरीब रह रहता है ये नहीं होना चाहिए लेकिन बजट की जो थीम है चारों योजनाओं को लेकर जो राहुल गांधी की बात बड़ी यात्रा में वो है और क्या किसानों का मैंने अलग बजट पेश किया है दुगना बजट करके किसानों का उसके अंदर मैंने युवाओं को मैंने विशेष ध्यान रखा है इसे मैं कहना चाहूँगा और निश्चित रहे सरकारी योजनाएं और भी अच्छी आएगी आने वाले वक्त के अंदर रास्ता खुशहाल बने तरक्की करे 2030 तक रास्ता नंबर एक बने देश के अंदर या एक बने की श्रेणी में आए अगर दो चार राज्य में है तो चार पांच राज्य एक श्रेणी में आए फर्स्ट श्रेणी में आए तो मैं राजस्थान में आया इस सोच में चाहेंगे राजस्थान में इंफ्रास्ट्रक्चर बने आज हम 1,00,000 किलोमीटर सड़कें बने जाते हैं 1,00,000 किलोमीटर सड़कें 56,000 किलोमीटर बन चुकी है बाकी बनती जाए हर क्षेत्र पानी बिजली शिक्षा स्वास्थ्य सड़कें पेंशन हम कोई पीछे नहीं है इस प्रकार की भावना के साथ में राजस्थान सरकार काम कर रही है मुझे यकीन है कि आप लोगों का आशीर्वाद से आप लोगों का आशीर्वाद से जो है ये आपसे ये राजेंद्र यादव जी मुझे बता रहे थे कोर्ट पूरी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो है कार्डिनल विभाग में खुलना चाहिए मैं तो कह रहा हूँ कार्डिनल क्या खुलेगा इतने विभाग खुलेंगे कि आप खुद भी सोच सकते हो जिला बना दिया है तो आपको जयपुर जाने की जरूरत क्यों पड़ेगी ये नौ बजाय तो कभी कभी जयपुर जाने नौकरी में आया आपको इतनी शानदार व्यवस्था है पी एस सी में सी एस सी में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी आप पोस्ट भी करते हो और निश्चिंत रहो यही बात मैं कहा मैं आपको एक बार पूरे बदल दूंगा आपके आपके पूरे प्रदेश के आपके क्षेत्र के निवासियों को और मैं उम्मीद करता हूँ कि पूरे भोजपुर की बैरूर पूरा जिला जयपुर सब लोग जो है बहुत खुश हैं आने वाले वक्त में हम सब मिलकर के विकास की गंगा बड़ा बहाएंगे आगे ले आएंगे ये भावना हम सब में होनी चाहिए यही बात करता हूँ अपनी बात समाप्त करता हूँ धन्यवाद जय हिंद धन्यवाद बीजेपी वाले भ्रम फैलाते हैं समझ दो पर ये स्कीमें परमानेंट टाइप है ठीक है ना और इतना बड़ा फ़ायदा मिल रहा है हर परिवार को 5,000, 10,000, 15,000 का फायदा और किसी के लिए 25,00,000 का बीमा ऐसे लोग मुझे मिलते हैं एक मिल गया मुझे मैं अभी अंत्येष्टि में गया था जयपुर में जब साहब एक मिल पर बैठे थे हमारे मिलने वाले के लिए मेरे स्टाफ में एक आते हुए कैंसर हो गया 17,00,000 रुपये खर्चा था एक नए पहले बाकी तो रोड किसी सुनते रहते हैं कहने का मतलब कि ये बहुत बड़ी सिक्योरिटी हमने प्रदेश वालों को दी है बहुत बड़ी सिक्योरिटी ऊपर से कानून पास कर दिया है कोई सरकार इसको ख़त्म नहीं कर सके उसका इलाज किया है कि राइट टू हेल्थ का एक्ट पास तो समझने की कोशिश करनी चाहिए हरेगा ये चार कानून मैंने कहा सोनिया जी ने मनमोहन सिंह ने बनाए थे पार्लियामेंट के अंदर चारों मैंने कहना भी आपको राइट टू एजुकेशन राइट टू इंफॉर्मेशन राइट टू आपका फूड सिक्योरिटी एक्ट और नरेगा कानून बना के
अधिकार मिल गया देशवासियों उसके अंदर। ये कानून बने, बल्कि भारत सरकार को कानून बनाना चाहिए, राइट टू हेल्थ, राइट टू सोशल सिक्योरिटी। हम विश्व गुरु बनने की बातें करते हैं तो बेसिक नीड जो है लोगों की, अफोर्ड नहीं कर सकते लोग, गिरवी रखने पड़ते गहने और मकान है, मकान अपने माँ बाप को बचाने के लिए, इलाज के लिए आराम हो गया। जहाँ जहाँ चुनाव हैं होते हैं ना, हमारी पहुँच रही है 9 साल से, इसलिए हमारे लिए कोई नई बात तो थी नहीं। जहाँ चुनाव हुए आप देख लीजिए तैयार उठा करके, जहाँ चुनाव वहाँ ईडी जुड़ गई है, इनको लिस्ट हमारा इतना नहीं, ईडी देखा अपना काम करे, सीबीआई अपना काम करे, इनकम टैक्स करे, हम अप्रीशिएट करेंगे। मैंने मेरे पुलिस अधिकारी उनका परसों बैठे थे आपके गृह राज्य मंत्री, मैंने कहा आप पूरा कॉपरेट करो उनको, ईडी वालों को, सीबीआई वालों को, इनकम टैक्स वालों को, एनआईए वाले को, ठीक है वो अपना काम करें, हमें कोई इतना नहीं है, कोई बेईमानी कर रहा है, चोरी कर रहा है, जो कार्रवाई हो सकती है जेलों में भेजो उनको, कुछ भी करो, हम कोई नहीं बोलेंगे, हम तो बल्कि अप्रिशिएट करेंगे, ये हम भी कर रहे हैं। एसीबी राजस्थान ने जो काम किया हिंदुस्तान में किसी ने नहीं किया है। एसीबी ने 1750 तो केस बना दिए, ट्रैप कर लिए, एसपी को अरेस्ट कर लिया, कलेक्टर को अरेस्ट कर लिया, कितने आईपीएस आईएएस और आरपीएस आरएएस कितने अरेस्ट हुए राजस्थान के अंदर, इतना शानदार काम किया हम लोगों ने। ये खाली बातें बनाते हैं, इनको पूछो ईडी ने आज तक जो हिंदुस्तान भर के अंदर जितने छापे डाले हैं या कार्रवाई करी है, कितने चालान पेश किए हैं, कितने में सक्सेस मिली है, आपको मालूम पड़ जाएगा। फिर भी हम विरोध नहीं कर रहे, हम तो कह रहे हैं तुम जो लिस्ट दे देके भेज दो इनको कि आप जाओ यहाँ पर चुनाव आ गए इस राज्य में, ये लिस्ट है, इसमें ढूंढ ढूंढ के देखो किसको तुम लोग टाइट कर सकते हो, ये गलत तरीका, ये कानून के खिलाफ है। मैं ईडी के, इनकम टैक्स के, सीबीआई के अधिकारियों को कहना चाहूँगा, अगर गलत तुम्हें कोई आदेश दे, गलत आदेश दे रहा कोई राजनीतिक नेता, पूरी परवाह मत करो। अगर तुम्हें कोई जमीन है, अगर तुम निष्पक्ष काम करना चाहते हो, देश की सेवा करना चाहते हो, जिसके लिए आपकी नौकरी लगी है, तुम्हें चाहिए कि ऐसे लोगों को जो है पूरी परवाह मत कराओ, उनकी बात मत मानो तुम, ये मैं उनको भी कहना चाहूँगा। सही काम करो, हम पूरा कॉपरेट करेंगे।